तो गाइस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कलर करेक्शन के बारे में। किसी भी वीडियो का कलर करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे मीडिया फाइल पर। हमने मीडियो को इंपोर्ट कर लिया है और ये देखिए अभी जो है मीडिया हमारे सामने आ चुकी है। अब इस पर हम कलर करेक्शन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। एडिट करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, मोनो करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको लो सैचुरेशन में कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं, कोल्ड के लिए अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये प्रीसेट ऑटोमेटिक जो है सेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है जैसे अप्लाई टू आल का मतलब ये हो गया, अगर कई सारी क्लिप हैं आपकी वीडियो में तो उसके लिए बता रहा है कि एक क्लिक करेंगे तो सब पे यही जो है इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ज़रूरी हो तभी करना है। लेकिन क्या है कि अभी आप देख रहे हैं जो प्रीसेट हम डाल रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अब इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ये बैक जाते हैं यहाँ पर, तो दोबारा से फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, हट गई थी फाइल। चलिए फाइल को हमने ले लिया है, देखिए फाइल हमारी आ चुकी है। अब इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, ये लिखा हुआ एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पर प्रीसेट थे, यहाँ पर अपने हिसाब से आपको करना है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इसकी मैं क्वालिटी को और एनहेंस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट हमने बढ़ा दिया है। इसकी सैचुरेशन हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर को करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा वीडियो, इधर को करेंगे तो कलर जो है काफ़ी और हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं इतने पे। वाइब्रेंस भी वैसे ही काम करता है, देखिए जैसे आपका सैचुरेशन काम करता है तो सैचुरेशन से ही वैसे हो जाता है, इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। हुई हो गया, हुई में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। किसी का डायरेक्टली पूरा कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखिए आप ये हो रहा है ना, ये हो गया। लेफ्ट में बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो रहा है, केवल आपका रोज़ दिख रहा है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इधर करेंगे तो पूरा ही साफ़ हो जाएगा, वाइट ही हो जाएगा एकदम से। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि धूप का टेम्परेचर होता है तो कुछ वीडियो को उस तरह रखना है, कम में रखना है टेम्परेचर में या ज़्यादा में रखना है, तो उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है। ये चीज़ कर सकते हैं आप देख के अपने हिसाब से कैसे आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हाईलाइट लिखा हुआ है, हाईलाइट में क्या है कि जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर परछाई नहीं होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ये चीज़ है। अभी देखें कितना अच्छा लगेगा गुलाब। शैडो दे सकते हैं, शैडो परछाई, शैडो देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, जो रोज़ है वो हमारा दिख रहा है, बाकी शैडो आ चुका है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको डीपली, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब गेन में क्या होता है, गेन में भी आप जो है ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, उसी के लिए होता है ब्राइटनेस के लिए। देखिए हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इसको, ब्राइटनेस बढ़ रही है इसकी, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये इतने पे करते हैं, ध्यान से देखिए आप इसको। अभी तक इसकी जो पत्तियाँ थी वो साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अब दिखने लगी हैं। गामा भी है ऐसे ही, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट टाइप का ही है दिखा रहा है। सो इस तरह से आप अपने वीडियो में कलर करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो फेस का हो, जैसे फेस का भी ऐसे ही कर सकते हैं, किसी का जैसे खुद का आपके फेस का है, लाइटिंग वगैरह सही नहीं है, कुछ भी नहीं सही है, तो यहाँ से आप कलर करेक्शन मैनुअल कर सकते हैं और अपनी वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं।